मैं शर्म सतर थूआ किठाना डौड़ा समदो पेगा यानी के तपेगे सभी गांवों के अंदर गया और सभी गांवों के अंदर विशेषकर वाल्मीकि भाई या चमार भाइयों से निवेदन करके आए कि आपके बगैर यह महापंचायत कामयाब नहीं होगी और उसका रिजल्ट निकला 76 थुआ किठाना डौड़ा समदो जितने भी तपे के 21 गांव हैं 95% उस पंचायत के अंदर वाल्मीकि समाज के लोग और चमार जाति के आदमी यहां पर पंचायत के अंदर उपस्थित है। और मैं एक कुछ आदमियों को बोलने के लिए मैं टाइम दे रहा हूं, उससे पहले मैं एक निवेदन और करूंगा। हमने कोर्ट में चलना है, अनुशासन में रहना है, किसी भी प्रकार की हा हू हल्ला नहीं करनी। हम शांति बनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और शांति बना करके ही अपने गांव में लौटेंगे। किसी भी जाति के साथ अगर कोई आदमी अपनी विशेष जाति का संगठन मजबूत करता है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। अगर कोई अपनी जाति का संगठन मजबूत करके किसी विशेष जाति को टारगेट करके उसके साथ में भेदभाव करता है, भाई उस बात से हमें ऐतराज है। संगठन मजबूत करिए, अपने समाज में जो कुरूति है, बुराइयां हैं, उनको दूर करने का प्रयास करें, लेकिन किसी टारगेट बना करके विशेष जाति के साथ मतलब कोई गिरफ्तारी करवाना, केस दर्ज करवाना, इस प्रकार से हम सहमत नहीं है। अगर कोई करेगा तो तपात हुआ उसका डट कर विरोध करेगा। और मैं लाइन में जब भी कहे लाइन में चलना है, अब मैं अनुरोध करूंगा किशन वाल्मीकि सरपंच किठाना 2 मिनट के लिए आए और अपना संबोधन रखे। किशन वाल्मीकि सरपंच आदरणीय हमारे थुआ तपा के प्रधान श्री ओम प्रकाश जी और सभी गांव से आए भिन्न भिन्न गांव से सभी खापों के प्रधान, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, आज बड़े पहले तो बड़े दुख की बात है, हम जातीय इन पंगों में इकट्ठे हुए हैं, लेकिन एक खुशी भी है, हम 36 बरादरी एक छत के नीचे भी बैठे हैं। मैं चाहूँगा भी गांव में जातीय जो पंगे हैं, अब लड़ाई मेरी रो एक किसी पर्सनल आदमी की है तो उसमें ये ना समझे भाई एक जातीय मामला, तो उसको सभी से मेरा निवेदन है बस उसको जातीय दंगों में ना ले जाए, क्योंकि आज समाज हर आदमी जागरूक हो चुका है, हर आदमी को पता है। इसलिए मेरी सभी गांव से सभी खापों के प्रधान, सभी सर्व जाति जो बैठी है, सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है भी हमारा 36 बरादरी का भाईचारा कायम बनाए रखना चाहिए, और जो भी समाज के ताने बाने को अगर कोई ख़राब करता है उस दोषी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, चाहे किसी भी बरादरी का, हमें जाति विशेष पे कभी विचार नहीं करना चाहिए। मेरी सबसे यही निवेदन है कि सभी जाति 36 बरादरी का अपना भाईचारा बनाए रखना चाहिए। आपने कहा कि भाई अमन शांति बनाए रखना चाहिए, मैं दूसरी खापों के जो प्रधान जी बैठे हैं मैं उनको बोलने का टाइम भी दूंगा, और लेकिन उनको एक बात बताना चाहता हूं, और प्रशासन को भी सीआईडी के जो आदमी यहां पर हैं उनको भी एक बात बताना चाहते, गांव 76 के अंदर किसी भी जाति का किसी विशेष आदमी के साथ कोई मतभेद नहीं है, और जब से इन खापों के संज्ञान में ये मामला आया है किसी का भी सामाजिक बहिष्कार नहीं है, सभी लोग मिलजुल करके
खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, गांव छात्र में किसी भी प्रकार का किसी भी जाति के आदमी के साथ कोई भेदभाव या मतभेद नहीं है। सरपंच साहब, आपने जो बताया आपका धन्यवाद, उस पर हम फुर्त रहने का 100% प्रयास करेंगे। अब मैं मेरे संज्ञान में बात आई कि मैं कुछ खापों के प्रधानों को वहाँ कोर्ट में जो पीटीआई अध्यापक है उन्होंने इन्वाइट कर रखे हैं, हो सकता है उनको जल्दी भी हो, तो मैं सतबीर जी से प्रार्थना करूँगा कि केवल और केवल मात्र 2 मिनट के लिए अपनी बात रखें। माननीय प्रधान जी, ओम प्रकाश जी, सोमदत्त जी शर्मा और भी खापों से आए बुजुर्गों, साथियों, माता और बहनों, सबको राम राम। ये शर्मा जी ने बात बताई, सरपंच ने बात बताई, जो हमारा देश 25% गांव में बसता है और आज तक 75% गांव में बसता है, आज तक कोई भी विवादित मामले नहीं हुए हैं, कोई भी विवादित मामले नहीं हुए हैं और जातिवाद तो वो है नहीं करते, अरे भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस समाज के अपने फायदे के लिए, हमारे भाईचारे बिगाड़ने के, खुद के फायदे के लिए हमारा भाईचारा खराब करना चाहते हैं। छत्तीस बिरादरी के भाई गांव में बस के अपना दुख दर्द बांटते हैं, ये नया मोड़ कहाँ से आ गया, कौन लाया, क्यों लाया, क्या कसूर था? गलती सरपंच साहब ने बताया, गलती मेरी इसकी है, मारे को सजा दो, सजा मिलनी चाहिए दोषी को, लेकिन जो खेतों में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, नौकरी में जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, उनका क्या कसूर? इसके लिए हम पूरे समाज के लिए एकजुटता हमारी है और रहनी चाहिए, उन तत्वों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए समाज ने जो हमारे भाईचारे खराब कर रहे हैं। लेकिन आज शर्मा जी ने एक बात बताई, हम दुरावा हैं, शांति भंग करना चाहते हैं लोग, हो सकता है हमारे बीच में भी हो, शांति भंग नहीं करनी है, जो हमारे खापा के तरीके हैं, भाईचारे के तरीके हैं, जो हमारा तरीका बनेगा शांति पूर्वक जाएंगे, अधिकारियों को ज्ञापन देंगे, कोई भी भाई गलत कदम करेगा, हमारे भाई बैठे हैं उधर, वो भी हमारे भाई हैं, साथी का ला के रखा उन्होंने, हमने वहाँ रखा है साथी अला के, लेकिन वो हमारे भाई बैठे हैं, कोई भी एक दूसरे को चिंता किसी नहीं करेगा, ये हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना आपसे, कोई गलत सब लगड़ गया माफी चाहवा हाँ, धन्यवाद, राम राम। सतबीर प्रधान जी, आपने समर्थन दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। भाई मैं प्रार्थना करूंगा, नभे सिंह जी चमार, जाति चमार है गांव थुआ, नभे सिंह है क्या, नभे सिंह जी उड़े भाई, इतने में नभे सिंह जी आते हैं, मैं दूसरे साथी से प्रार्थना करूंगा, ओम प्रकाश बाल्मीक गांव छतर, मैं नजदीक लग रहा हूं, पुराना मुंह इस साइड है, मुंह कर ले, हां जी प्रकाश जी आने कल प्रकाश साहब, पुराना मुंह कर ले, हां टपा हुआ कोई बात नहीं, अरे ये ओम प्रकाश जी थोड़े आप ही करें, और सोमदत्त जी और दिन दिन गांव से आए हुए सपा बहुत सपे खड़े हो, भगवान और पदाधिकारी आप, ये मान्यगण, तो
शांति बनाने का भाईचारा कायम रखेगा। हाँ जी बोला जी, बोला बोला जी, बोला कपात हुआ का जो ना जो प्रयास है वो जो ना उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। और जो ये प्रयास किया है इन्होंने ये भाईचारा कायम रखने के लिए छत्ती बिरादरी का, तो इसका जो ना मैं फिर दोबारा से जो ना समर्थन करता हूँ। धरती जाति इनकी वाल्मीकि है, मैं किसी और को बुलाऊं उससे पहले मैं आजाद पलवा से प्रार्थना करूंगा कि किसान यूनियन में अपना किसान यूनियन में जो इन्होंने इंडिया लेवल की किसान यूनियन की बातें अपनी हाईकमान के पास पहुंचाई, इसके लिए मैं इनका यहाँ इस महापंचायत में धन्यवाद भी करता हूँ और आज के इस करंट मुद्दे पर भी प्रार्थना करूंगा कि अपने विचार रखें। आजाद सिंह पालवा। इजाजत है प्रधान जी। हाँ जी बोलो। परम आदरणीय सुआ तपा के प्रधान ओम प्रकाश जी, खाप सरदारी, आदरणीय बुजुर्गो, नौजवान साथियों, माता और बहनों, सर्वप्रथम तो मैं थुआ तपे का धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए जिन्होंने शुरुआत की। हमारा जो सामाजिक ताना बाना कुछ असामाजिक तत्व इस चीज का सहारा लेकर खराब करना चाहते थे, इन्होंने ये सर्वखाप पंचायत बुलाई और जिसमें सभी जाति के सभी धर्मों के लोग बुलाए। और जैसा कि वाल्मीकि जाति के भाई कृष्ण सरपंच जीओ ने बताया कि ऐसा कोई विवाद नहीं है छत्र गांव के अंदर, और हमने अपने तौर पर भी पता किया था कि छोटी मोटी बात हो जाती है, ये तो सदियों की परंपरा है, आपस में कया सुनी हो जाती है। ये खा पंचायतों का जो सिस्टम है ये राजा हर्षवर्धन के समय से है और उस पर हम निपटारा भी कर लेते हैं, लेकिन पंचायती तौर पर भी हमने कई बार इस बात की कोशिश की और गांव से पता किया कि गांव में इस प्रकार की बात नहीं, लेकिन बाहर के कुछ लोग इसको जातीय रंग और राजनीतिक रंग देना चाहते हैं। लेकिन मैं अपील करूंगा मेरे मीडिया के भाइयों से जरूर कि किसी इस प्रकार के व्यक्ति की कोई बाइट ले जाती है जिससे वो कुछ अनाप शनाप बोल देता है और वो लाखों लोगों के अंदर आवाज जाती है और लोग ये मान लेते हैं कि पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ टूट गया, लेकिन छत्र गांव में ऐसी कोई बात नहीं है। थुआ तपा के लोग सारे बैठे हैं, हम भी छत्र गांव में गए हैं, वहां पर सभी धर्मों के सभी जाति के लोग इकट्ठे रहते हैं, लेकिन फिर भी तरह तरह की बातें बनाई जाती है। लेकिन जो आज इस महापंचायत का थुआ तपा ने आयोजन किया है और जो लोग इसको एक जातीय रंग देने चाहते थे उसके मनुष्यों पर पानी फेरने का काम किया है, इसके बाद के लिए मैं थुए तपे का धन्यवाद भी करता हूँ। और सभी को ये जरूर कहना चाहूँगा कि भाई सर्व समाज के लोग, छत्ती जात के लोग, सभी धर्मों के लोग, हम गांव के अंदर भाईचारे के रूप में रहते हैं, आपस में हमारा लेन देन भी होता है, भाईचारा भी इतना मजबूत है, लेकिन जो इस प्रकार के प्रचार करते हैं उनके बहकावे में मत आओ, क्योंकि जो 16 के अंदर हमारा भाईचारा खराब हुआ था, आज उस प्रकार की एक नीति है, जो किसान आंदोलन चला था उसके अंदर भी इस प्रकार का रंग डालने का, इस प्रकार का विरोध करने का सरकार ने भी कोशिश करी, भाई जातीय रंग दिया जाए, धार्मिक रंग दिया जाए, लेकिन हमारी खाप पंचायतों ने सरकार के मंसूबों को सफल नहीं होना दिए, शुभ किसान मोर्चा ने सफल नहीं होना दिया। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अब भी हम इस प्रकार का कोई जो जातीय रंग आएगा हम किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे और ना ही सफल होने देंगे, क्योंकि हम सारे सभी जाति के लोग एक हैं, इकट्ठा रहते हैं और आगे भी इकट्ठे रहेंगे, हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। इसी प्रकार से मैं एक नारा लगाना चाहूंगा, छत्तीस जात का भाईचारा, छत्तीस जात का
भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारे तो देश में ये नारे लगते थे और आज भी हम उस परंपरा पे कायम है। और मैं किसान यूनियन की तरफ से भी, और मेरी दाड़ खाप है, मैं दाड़ खाप का महासचिव हूँ, उसकी तरफ से भी विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी यहाँ पर ये महापंचायत फैसला लेगी, हम महापंचायत के साथ हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आजाद जी। आजाद जी ने किसान यूनियन में काम किया ही किया है, उसके बाद सामाजिक में जहाँ भी जरूरत पड़ती है, मेरे तपे के अंदर एक साधु संत की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई थी, उसकी समाधि के टाइम पर भी इन्होंने हमारा सहयोग दिया, इनका धन्यवाद करता हूं मैं। कट्टरता, चाहे जाति की कट्टरता हो, चाहे धर्म की कट्टरता हो, चाहे पार्टी की कट्टरता हो, एक कविता का शीर्षक है सीमा, जिसका अर्थ निकलता है हद। जुगर जो कबड्डी का मैच करते हैं, बीचों बीच तीर खींच देते हैं, वो सीमा है कि भाई नूना तो तेरी नूना मारी। सीमा में जो रहेगा, तपा थुआ उसका समर्थन करता है। जैसे ये अंगूठी है, रिंग सोने की है, 10 की 10 उंगलियों में अगर उंगली में रिंग डाल ली जाए, है तो सोना, है तो कीमती, लेकिन समाज के अंदर वो भद्दा लगेगा, समाज उसका मजाक उड़ाएगा कि फला आदमी इतना सोना दिखा करके अपनी शान शौकत दिखाना चाहता है। ये मेरी बहन बेटियां बैठी हैं, अगर ये मेकअप करती है, लाइट मेकअप करती है, तो बहुत सुंदर लगती है। अगर जरूर से ज्यादा मेकअप करते हैं तो शायद ये सुंदर ना लगे। मैं बात को वहीं पर लेकर के आता हूं, अगर कोई भी आदमी जाति की कट्टरता करेगा या धर्म की कट्टरता करेगा, सर्व जातीय पंचायत तपत हुआ और अन्य हरियाणा की खापे उसका डट कर विरोध करेगी। और जिन लोगों ने एक हफ्ता पहले हमारे जिला जींद की शांति भंग करने का प्रयास किया, एक जनवरी को हमारे जिला जींद की शांति भंग करने का प्रयास किया, वो ध्यान से सुन ले भाई, दोबारा प्रयास मत करे। केवल तपत हुआ ही नहीं, सारा जिला जींद की खाप और तपे, यहां पर दोबारा प्रदर्शन नहीं करेंगे, धरने पर बैठ जाएंगे। ये मेरी बात सुन लो भाई, सीआईडी वाले और पत्रकार बंधु, अब तो प्रार्थना करने के लिए आए हैं, प्रार्थना कि हमारा भाईचारा भंग करने का प्रयास ना करें, अगर को प्रयास करेगा तो सारा डिस्ट्रिक्ट जींद की सभी खाप और तपे प्रदर्शन करने के लिए नहीं आएंगे, धरने के लिए। भाइयों क्या रहना, अगर कोई शरारती आदमी हमारा तो बकवासबाजी करता है तो हाथ खड़े उतरो बच्चे से, तो बात की। धन्यवाद साथियों, अब मैं प्रार्थना करूंगा, नफे सिंह है, थुआ जाति थुआ गांव से है, कुमार जाति से है, नफे सिंह जी 2 मिनट के लिए अपने बात रखे बच्चे बोलो। सभी को हाथ जोड़ कर, बात ये है जो हमारे गांव हुआ आपने जो ये कदम उठाया है, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और हम इन्हीं के साथ हैं, जो भी वाद है वो बिल्कुल नजायज है। अब आगे कोई मतलब जो छात्र गांव का है जो फैसला, वो बिल्कुल भगवान करेगा, ठीक होएगा, सब सुनेगा भगवान सबकी, कोई किसी के साथ कोई बेदुआई नहीं है। मेहरबानी बुजुर्गों,
अध्यक्ष से लगभग एक साल तक किसान आंदोलन चला और उसमें अनुशासन परम सीमा पर रहा, सीमा पर किसी ने भी अनुशासन भंग करने का प्रयास नहीं किया। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, वैसे तो मेरे तपे के 21 गांव हैं, लेकिन गांव छत्र का युवा हमारे बुजुर्गों के इशारे के बिना कोई कदम नहीं उठाता। हमने प्रार्थना करे के युवा बच्चों से कि हमने आपको पढ़ाया, आपको लिखाया, आपके तंदुरुस्त कर दिया, लेकिन बेटियों ऐसा कदम मत उठाइयो जिससे एक तपे धुए की गर्दन नीची हो। नीची गर्दन करने का छात्र का युवा प्रयास नहीं करेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। शांति चाहता है, शांति रहेगी और अगले हरियाणा के अंदर भी आम जगह पर भी शांति बनाने का प्रयास करेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा सतवीर जाति कुमार गांव थत्तर अपने विचार रखे। आदरणीय तपा थुआ के प्रधान व अन्य खापों से आए प्रधान सभी को राम राम नमस्कार करता हूँ। मैं सतबीर पुत्र जाति चमार आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी थुआ तपा ने थुआ तपा के प्रधान व अन्य महोदय ने छत्ती बिरादरी एक का भाईचारा बनाने का जो कदम उठाया है उस पे मैं पूर्ण सहयोग करता हूँ, अपना समर्थन करता हूँ। और हमारे छात्र गाँव में बिल्कुल शांति का माहौल है, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं है और आगे भी मैं अपने सभी ग्रामवासियों को यही हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि गांव की शांति बनाए रखें, चाहे उसमें प्रशासन की मदद लेनी पड़े या अपने आप अपने को शांत रखना पड़े, गांव में शांति का माहौल बनाए रखें। और तपा थुआ की तरफ से जो ये कदम उठाया गया है छत्ती बिरादरी एक, मैं इसका एक बार फिर से समर्थन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, राम राम। धन्यवाद सतवीर जी। अब मैं प्रार्थना करूंगा माजरा खाप के प्रवक्ता समुद्र भाव जी, थोड़ा टाइम कम ले, मेरी निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना। आदरणीय आज के मंच के अध्यक्ष महोदय और उपस्थित छपाथुआ के बुजुर्गों, साथियों, माता बहनों, ये दो चार साथी बोल रहे हैं हमारे उस बिरादरी से जिस बिरादरी के लोग आप दूसरी बिरादरी को टारगेट कर रहे हैं, तो मैं तो कोई बहुत सच्चे इंसान नहीं है, बिल्कुल सही बता दी। मारे भी आज समझ में आ गई कि मैं छात्र में कुछ ऐसा कर दिया होगा। आज न्यू बेरा लाग रहा मैं कि छात्र में कुछ नहीं कराया, पर्दे के पीछे इनके नेता क्यों लाग रहे हैं, फंडिंग हो गया है और सरकार सारा काम बर्बाद करी, सरकार और प्रशासन। वो क्यों, जो कोई एफ आई आर कराओगे सी एक्ट में 2.5 लाख रुपये मिले हैं, 23 साल में आगे फैर हो जाएगी, 1.25 लाख करोड़ रुपया हो गया, क्यों छोड़ना को है? के छोड़ेगा सरकार क्यों दे है? सरकार का काम है इनमें बात विवाद करके और चुनाव को जीतना, बहुत लंबी सोच है। फिर एक आरोप सुनने को मिला कि एस पी बी डी डांट है, डी सी बी डांट है, मार्शल न्याय नहीं करते, और हाई कोर्ट में कोई जाट जाति का हो क्या, जाट जातिया दोषी हो सजा नहीं करता क्या, ब्राह्मण हो क्या ब्राह्मण जातिया को दोषी हो सजा नहीं करता क्या, ऐसी हो कोई जज और ऐसी को दोषी निकल जाए तो उसकी भी सजा करने का काम वो करता है। आप सर्वो को न्यायपालिका को आप क्यों दोनों कास्ट में बांटना चाहते हो, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और एस पी साहब सुन ले कान खोल के, ये तो चार है पांच माती होया नहीं,
ना तो खपड़ा पचमाया ना छात्र में पचमाया इनके चाची ताऊ कल भी हम देख रहे चाची और ताऊ काके इनके परिवार के लोग जो बैठे हैं इनकी बात को पहचानो और इनको दुनिया से भगाओ। ये समाज तोड़ने काम करते हैं और एक बागी दागी बागी एमपी कैश काम किया में पूरे उसका काम यही है उसका बड्डा लेवल पर फंडिंग है भाई सरकार की फंडिंग है टिकट फंडिंग है। अरे भला आदमी जीत में चुनाव लड़ा था 6000 वोट आए थी क्या काम पीजे बना तो क्या काम मिले बनाएगा राजनीति के अंदर कास्टों का घुसेरा मार छत्तीस दाद है मारा भाईचारा है इसको कमजोर नहीं होने देंगे एक प्रत्यक्ष भी नहीं होने देंगे जो कमजोर करना सकते पांच सात हो उसका इलाज प्रशासन के पास है प्रशासन को पूरा सहयोग कराएंगे इनको दबाओ यहाँ से इनका कोई मदद नहीं गांव को बदनाम करते। अरे छात्र सबकी छात्र अरे एक आदमी दुखी नहीं वहां पर ये देखा छत्तीसगढ़ कितना बढ़िया गांव हर आदमी तारीफ करता है इतना बड़ा गांव के बाद भी उसके बाद कलंकती करते लो इस गांव को खापड़े छोटा गांव है वो भी ऐसी एक मिसाल कल पेश करी क्यों बदनाम करे हमारे गांव को क्यों हमारी खाप को बदनाम करे इससे जो बदनाम करे उससे दूरी हम बढ़ावेंगे और जो बिल्कुल तय दिल से छत्तीसगढ़ का भाईचारा जोड़ की बात करे उसके छाती के छाती मिलावेंगे भाइयों छत्तीसगढ़ का भाईचारा सुखी देना इस तरह के बागी दागियां की परवाह ना करते हुए और एकता बनाए रखो जय हिंद जय खाल। भाई मदरा खाप के प्रवक्ता दशमुत्र जी थे इन्होंने बहुत बढ़िया बातें रखी और मैं अब आपके सामने कविता सरपंच खरकराम जी से प्रार्थना करूंगा कि बहन जी वो आए और अपने विचार रखे आगे आ जाओ सबसे पहले तो आप जितने भी यहाँ पहुँचे सबको मेरी तरफ से आजोड़ के राम राम जितने भी चाचे ताऊ मेरी माँ बहन यहाँ पहुँचे हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद और आज का जो अपना मुद्दा है उस मुद्दे पर पकड़ की जरूरत है हमें क्योंकि हमारे पास हमारी खाप पंचायतें होती थी पहले जो अब भी मौजूद तो हैं लेकिन उनमें थोड़ी थोड़ी कमी आ गई उस कमी को दूर करके हमें एक प्रण लेना होगा आज यहाँ पर भी हमारे जो गांव में मुद्दे होंगे हमें उन मुद्दों को प्रशासन तक पहुँचने से पहले अपने भाईचारे के स्तर पर इसको निबेड़ना होगा उसको भाईचारे में ही रखना होगा। मेरे चाचे साहब बहुत बुद्धिजीवी हैं जो बोले यहाँ पर उन्होंने बोला प्रशासन की मदद हम प्रशासन की मदद जब लेते थे जब हमारी खाप पंचायतों से बात बाहर हो जाती थी लेकिन आज भी हमारा भाईचारा कायम है इस भाईचारे को कायम रखने के लिए आज भी मैं अपने चाचे ताऊओं से अपने पगड़ीधारियों से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ हमारी खाप पंचायतें सर्वोपरि थी हैं और रहेंगी हम प्रशासन की मदद नहीं लेना चाहते जब भी प्रशासन हमारे बीच में आता है वो हमारे भाईचारे को बिगाड़ने का काम करता है। अपने छत्तर गांव का जो करंट का मामला वो मैं आपको बताना चाहती हूँ वैसे गाँव के सभी बैठे सबको मेरे से ज्यादा पता है वहाँ पर बात कब बिगड़ी थी जब हमारा प्रशासन वहाँ बीच में आया और जो ये बोल रहे हैं हम भीम आर्मी से हैं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उन्होंने हमारे भाईचारे को ज्यादा खराब किया। मैं अपने भाइयों से अपने चाचे ताऊओं से पहली प्रार्थना ये करना चाहती हूँ जब भी हमारा कोई झगड़ा हो हमारी खाप पंचायतें सुलझ जाएंगी कोई भी बाहर का आदमी हमारे गाँव में आएगा नहीं। ये भीम आर्मी वालों ने हमारे इस मामले को तुल दिया नहीं तो हमारे गाँव में कोई झगड़ा नहीं था कल भी एक थे आज भी एक हैं और आगे भी एक रहेंगे। और बात करें हम अपने आंदोलन की इस आंदोलन को हमने 36 बिरादरी के भाईचारे के दम पर जीता है तो आगे आने वाले समय भी हम इसको बिगड़ने नहीं देंगे और अपनी खाप पंचायतों से फिर आकर के प्रार्थना है अपने आप को जिंदा रखो जो मिसाल पहले थी खून तक के मामले सुलझ जाया करते भाईचारा हो जाया करता सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं होया करता लेकिन हमारी खाप पंचायत में होया करता। तो आज भी मेरा यही निवेदन है आप डीसी में ज्ञापन जरूर देवांगे लेकिन उस ज्ञापन में मैं एक बात और बोलना चाहूंगी भाई उसमें यह लिखो पहले हम अपने भाईचारे तक निबेड़ांगे प्रशासन में बाद में एफआईआर होनी चाहिए जब हमारा भाईचारा नाकामयाब हो जावे हमारी खाप पंचायतें नाकामयाब हो जावे। अपने भाईचारे को एक रखो आने वाले समय में अपनी खाप पंचायतें अपनी पगड़ियों को संभाल के रखो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद और
एक नारा लगा दे, छत्तीस जात का भाईचारा जिंदाबाद, छत्तीस जात का भाईचारा जिंदाबाद, हमारी खाप जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी पंचायतें जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद जय जवान जय किसान। धन्यवाद कविता जी। जैसा कि कविता जी ने बताया कि खापों के अंदर ही समाधान हो जाना चाहिए। कविता जी तपत हुआ है, तपत हुआ पेगा गांव के अंदर, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं कई मर्डर हुए थे। उसका समाधान प्रशासन से नहीं तपत हुए ने किया। किठाना में हुआ उसका समाधान तपत हुए ने किया। थुए में हुआ उसका समाधान तपत हुए ने किया। तपत हुए का प्रयास है जितने भी गंभीर मसले तपत हुए के किस गांव में हुए, चाहे सोंगरी गिलाना हो जहां पर एक लकीर खींच दी गई थी, उसका फैसला भी तपत हुए ने किया। तपत हुआ तत्पर है, किसी प्रकार की जाति पाति का पक्षपाती नहीं है। अब मैं प्रार्थना करूंगा मास्टर कपूर सिंह आर्य डोला, हमारे तपे के बहुत बढ़िया सीनियर बुद्धिजीवी आदमी हैं, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि अपनी बात रखें। और राज जी रह रहे हैं, अरे ना राज जी राज बोल देना, कोई बात नहीं बोलो। परम आदरणीय प्रधान जी और इस विशाल महापंचायत में उपस्थित भाइयों बहनों माताओं प्यारे बच्चों, काफ़ी विद्वानों ने अपनी बातें बहुत बढ़िया तरीके से रखी है और एक शीशा दिखा दिया सारे यहाँ जो उपस्थित लोग हुए हैं। मैं भी आपको एक बात कहना चाहता हूँ, यदि हम हमारी पुरानी परंपराओं को देखें कितना मेल है हमारा, हम कहीं भी जाए गए हुए हो, 36 जात की लड़कियों को पहले पूछते हैं कोई भी विशेष हमारा समारोह हो कार्यक्रम हो। लेकिन अब आदरणीय माजरा ने बहुत मार्के की बात बताई आपको, यहाँ चलती है भाई फंडिंग। जैसे दूसरे देश एक देश को कमज़ोर करने के लिए बहुत पैसा बर्बाद करते हैं और हर एक गांव में पाँच चार ऐसे मिल जाते हैं जिसको मुफ्त में कुछ ज़्यादा पैसा मिलेगा, वो कोई आराम से रहने देगा अपने समाज को? इसलिए भाइयों सावधान हो जाओ, जागते रहो, सोने वालों को कोई नहीं बख्शता। और आज तो ज़माना बड़ा खतरनाक है, हमारे जो राजनीतिक साथी हैं वो तो कई कई नीतियां अपनाते हैं और पंचायत की केवल एक ही नीति होती है, वो शाम प्यार से उसको समझाकर नफा नुकसान बताकर तब उनके फैसले किए जाते हैं, ऑर्डर नहीं दिए जाते। और वो देखते हैं कि भाई इनके दोनों पक्षों की संतानें आने वाली औलादें कैसे सुरक्षित रहे, कैसे तरक्की हो। इसलिए भाइयों इनके तवे ना चढ़ जो दूसरे तवे चढ़ा लाग रहे हैं, जागरूक रहो। इसी प्रार्थना के साथ और मैं प्रशासन को भी यह आगाह करना चाहता हूँ कि प्रशासन भी समझदारी से काम ले और इन लोगों की भावनाओं को समझे। जनसमर्थी की भावनाओं का उल्लंघन करना इसका परिणाम बड़ा घातक हो सकता है, इसलिए मेरी निवेदन है प्रशासन से भी। और विशेषकर मैंने छात्र गांव में 28 साल अध्यापन का कार्य किया, 28 साल लगातार जो शुरू में बच्चे पढ़ाता था उनके बच्चे मेरे पास पढ़ने आया, मेरे पास भी तो ना करे। जो व्यवहार जैसे साहब ने बताया सबकी खातर बहुत अच्छा, बोलना इनका भले ही कुछ उच रहो लेकिन व्यवहार बहुत बढ़िया है और हर एक जाति को बड़ा सम्मान मिलता है। इसलिए जो साथी बोले हैं इनकी बातों पर गौर करते हुए आप शांति से यह काम करें, विशेषकर हमारे युवाओं से मैं विशेष प्रार्थना करूंगा शांति से अपने बुजुर्गों की बात मानते हुए। मात्र शक्ति को राम राम। मैं तो एक बात कहूँ हूँ कंडेला खाप की तरफ से, ना तो को छत्तीस जात का ऐसा भाईचारा कहीं मिलेगा
अगर कोई तोड़ा है हमने कदम टूट नहीं दिया, जो खप इसमें अपना छत्र मोरिया है, खापड़ मोरिया है, हम उन भाइयों के साथ हैं। जितने आदमी हमें जरूरत पड़ेगी, तो थोड़े आए हैं, एक घंटा था, अगली बार कम से लाखों की संख्या में अगर कोई जरूरत पड़ेगी आप बताना, हम उसके आओगे। सबको राम राम।